जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में और मेयर ज्योत्सना हसनाले जी के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये आदिवासी समाज के जो है सब्जी जो उगाने का काम कर रहा है, ये एक फेडरेशन के तहत जो है किया जा रहा है, स्टफ फॉर गुड हेल्थ फेडरेशन की तरफ वो सब्जी उगाई जाएगी। कहीं ना कहीं आदिवासियों को वो कामकाज मिला और वही चीज़ डायरेक्ट घर में जाएगा, होम डिलीवरी होगी और उसके लिए महिलाओं को चुना गया है, यानी महिलाएँ डिलीवरी करेगी। तो इससे दो फायदा होगा, एक तो उन आदिवासियों को दो पैसा ज़्यादा मिलेगा, ऑर्गेनिक जो सब्जी है, ऑर्गेनिक सब्जी मीरा भाईंदर के लोगों तक पहुंचेगा और मीरा भाईंदर के महिलाओं को, खास करके महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा ये लगा मैडम कि ये लोग आए आपसे मिलने के लिए। वहाँ ज़्यादा लोगों को अलाउड नहीं था, लेकिन आप इनका हौसला बढ़ाने नीचे आई, ये सबसे बड़ी बात है। इनके लिए दो सब क्या कहेंगे? स्टफ फॉर गुड हेल्थ संस्था के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत ये जो संकल्पना है उसको निभा रहे हैं और इसमें जो आदिवासी जो समाज के लोग हैं उनको सब्जी के उगाने के लिए मदद जो कर रही है ये संस्था, इसके लिए इस संस्था को मैं गौरवान्वित करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य क्षेत्र में किया है और ऐसी संस्थाएं अगर सामने से आगे आती है तो बहुत सारी महिलाओं को काम मिलेगा और वो खुद आत्मनिर्भर बन सकती है। कि आत्मनिर्भर एक जो संकल्पना है ये बोलने से नहीं होगी, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और जैसे ही ऐसी सारी संस्थाएं हर एक क्षेत्र में आगे आएगी तो महिलाओं का विकास कोई नहीं रोक सकता और अच्छा कार्य इस संस्था के माध्यम से हो रहा है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। और आज मेरे दालन में उनको मैं सम्मानित भी करूँगी, उनको एक सम्मान पत्र देकर। और ऐसी सारी संस्थाएं जो हर एक मीरा भाईंदर क्षेत्र में है वो भी ऐसी पहल करें और इस संस्था का आदर्श अपने सामने रखें। तो ये है मीरा भाईंदर की डाउन टू अर्थ मेयर। मैं तो यही कहूंगा कि इनके पास जो लोग मिलने आए ये खुद नीचे उतर करके सिर्फ एक बार वो अपने आप आई वो कि इन महिलाओं का हौसला बढ़ाए, ये बहुत अच्छी बात है। सर आपका क्या नाम है और आपका ये कॉन्सेप्ट क्या है? सर मेरा नाम रवि प्रकाश है जी। मैं पिछले 2-3 वर्षों से वानगांव साखर उस गाँव के आसपास घूम रहा हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट है कि वनवासियों का उत्थान हो, वो आत्मनिर्भर हो और महिलाओं का कल्याण हो, महिलाएं भी हैं वो भी आत्मनिर्भर हों। वनवासियों की जय किसान जय महिला, किसानों का सम्मान, महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना, ये इस पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए ऐसा है कि आत्मनिर्भर बनना कोई ऊपर से आके हमको आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा, हमको बनने के लिए खुद प्रयास करना होगा और ये उसी प्रयास का एक हिस्सा है जिसमें कि किसान और महिलाएँ मिल करके इस काम को करेंगे और लोगों को पौष्टिक सब्जियां सुबह सुबह 10 से 5 बजे के बीच में प्रतिदिन उनके घर पे मिला करें। किस तरह से लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, आपकी संस्था से कनेक्ट हो पाएंगे जो सब्जी को ऑर्डर कर सकें और वहां तक पहुंच सकें? इसके लिए एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, एक नहीं कई अनेक ग्रुप बनेंगे और उस ग्रुप से जुड़ करके उस पे ऑर्डर आएगा शाम को और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो डिलीवरी दी जाएगी। एवरी डे मॉर्निंग मीरा भाईंदर के लोगों को आप ये फैसिलिटीज देने जा रहे हो और महिलाओं के जरिए देने जा रहे हो और उन महिलाओं को हर रोज 500 रुपीज आप दोगे? हम उन महिलाओं को उनका जो पारिश्रमिक है, ये जरूरी नहीं है कि हम 500 रुपए ही देंगे, ये इट डिपेंड्स कि कितनी ज़्यादा डिलीवरीज हो पा रही हैं। वो 500 रुपये प्रारंभिक है, वो इट माइट भी कि वो 1000 रुपये भी हो जाए, ये उनकी मेहनत। मतलब कहने का मतलब कि डिलीवरी के अनुसार जितना वो काम करेंगे उस हिसाब से आप उनको पैसे देंगे, वो ज़्यादा होगा कम होगा? 500 रुपये तो उनको कम से कम मिलेंगे। क्या बात है दोस्तों, ये देखिए ये सबसे बड़ी बात है उन महिलाओं को। मैडम जो महिलाएं काम करेंगी उनको 500 रुपये मिनिमम तो देंगे ही देंगे और अगर काम ज़्यादा होता है उनका तो उसके हिसाब से ये बढ़ेगा भी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको आफ्ताब भाई एक बात बताऊं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ मीरा भाईंदर तक ही सीमित नहीं रहना है, क्योंकि हमारे पास प्रतिदिन लगभग 50 क्विंटल से ज़्यादा सब्जियां खेतों से टूटती हैं। मीरा भाईंदर में 50 क्विंटल सब्जी की खपत नहीं, हम विरार से लेकर कप परेड तक टारगेट करेंगे और आने वाले दिनों में जो हमारा नेटवर्क है उस नेटवर्क में कम से कम 700 महिलाओं को रोज़गार मिलेगा और 2000 किसानों के फसल जो हैं वो इस शहर में आएंगे बिकने के लिए। मैं आपका आपका भाई एक शख्स से परिचय कराना चाहता हूँ, ये है अंजनी।
नमस्कार। अंजनी कुमार का परिचय ये है कि अंजनी कुमार फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, फिल्म और टेलीविजन सीरियल के डायरेक्टर रहे हैं और पिछले 2-3 साल से ये साखरा पंचायत के घोड़ीपाड़ा गांव में ही रह रहे हैं। जब समय मिला, बचा हुआ जो समय है अपने फिल्म और टेलीविजन की दुनिया से बचा हुआ, उसको ये उस गांव में रह करके बिताते हैं। हर गांव का बच्चा इनको कोई, किसी के चाचा है, किसी के मामा है, किसी के ताऊ है, किसी के बाबा है। और ये जो सारा प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, इस गांव में रह करके ये वहां से संचालित कर रहे हैं। हम जो लोग हैं, हम इस शहर में उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैं जब घोड़ीपाड़ा में काम कर रहा था, जब गया था तो एक ऑर्गेनिक खेती करने के लिए गया था। फिल्म लाइन से जो छुट्टी मुझे मिलती थी तो ऑर्गेनिक खेती करने गया मैं वहाँ पे। लेकिन जब अपने वनवासी भाई को देखा तो ये पूरे तरीके से स्किल्ड है, अपने काम में दक्ष है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ जो उपजता था उसकी मार्केटिंग इनकी नहीं हो पाती थी। प्लस थोड़ी बहुत मदद थी कि किसी को पंप लगाना है, किसी को ड्रिप लगाना है, किसी को थोड़ी बहुत मदद करनी है, किसी को थोड़ी मुर्गी देनी है। तो ये जब हमने रवि जी से बात की तो इन्होंने काफ़ी मदद करने के लिए तैयार हुए कि किसी को पंप लगा के दिया, किसी को मुर्गी दी। और ये इन्होंने गारंटी ली कि वहाँ की जितनी सब्जियाँ होंगी, हमारे किसान भाई जो भी सब्जियाँ उगाएंगे उनको अच्छे रेट पर हम यहाँ ला करके, मीरा भाईंदर में ला करके हम उसको बेचेंगे, जिससे कि नारी उत्थान का भी, जो औरतें इन्वॉल्व होंगी उनको भी बेनिफिट होगा और वहाँ के किसान को भी बेनिफिट होगा। बहुत अच्छी बात। भाई इसमें एक शख्स और से मैं मिलाना चाहूँगा, ये है कैप्टन सुनील शर्मा जी। कैप्टन सुनील शर्मा इस पूरे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर मार्केटिंग है। कस्टमर लाना, कस्टमर को डिलीवरी देना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर कैसे आएंगे, कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचेगा, ये कैप्टन शर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसानों से जो फसल आएगी वो मीरा रोड तक उसको पहुंचवाने की व्यवस्था अंजनी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनके और इनके बीच का कोऑर्डिनेशन का दायित्व जो है वो मेरा है। क्या कहेंगे आप कैप्टन शर्मा जी, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो मेयर मैडम जी आके गई, इन सब का हौसला बढ़ाया, क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं फिर बोलूँगा, चतुर्थ स्तंभ आज की तारीख में जो जिम्मेदारी खास तौर से मेरा सैफ अली खान दिखा रहा है या उसके डैडी दिखा रहे हैं या रवि जी, मैं आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अच्छे कार्य, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात सब जने कह रहे हैं कि कोई करे कोई करे, लेकिन आगे कौन आएगा? तो जिम्मेदार नागरिक आगे आए, उन्होंने बीड़ा उठाया, मुझे मौका मिला, मैं इनको जानता था, तो मैं जस्ट इनसे बातचीत चल रही थी, देखा रवि प्रकाश जी इस पे काम कर रहे हैं, अंजनी जी तो वहाँ जा कर के रह करके 6-7 दिन वहाँ पे मेहनत करते हैं, एक दिन मुश्किल से घर आते हैं। तो मैं कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा फील्ड मार्केटिंग कर रहा है। टोटल 35 साल मैंने फार्मा इंडस्ट्री में लगाए, डाबर का डिवीज़न मैंने लॉन्च किया था, मोरपेन लेबोरेटरीज मैंने लॉन्च की थी, मौका मिला तो मैं मार्केटिंग में उतरा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी आपके माध्यम से लोगों तक फ्रेश सब्जी पहुंचेगा, आदिवासियों को भी रोजगार मिलेगा, महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। आप महिलाओं को क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसा लगता है ये कॉन्सेप्ट? ये तो बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि रोज लोग मांग रहे, काम मांग रहे हैं, घर पे काम मांग रहे हैं, घर से काम मांग रहे हैं, सब कंपनीज फैक्ट्रीज सब बंद हो चुकी है, हार चुके हैं लोग, अभी जितने महिला बच्चे सब रोज आके काम मांग रहे हैं, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। मैं तो धन्यवाद करूंगी इन दोनों का कि ये आए ऑफिस में और कुछ लोगों को काम मिला और लोग इतने खुश है। ये तो थोड़े ही महिला है, यहाँ थोड़ा अलाउ किया, ऐसे बहुत 580 लोग है, महिला 580, वो भी यहाँ लाएंगे तो भगा देंगे, इतना गर्दी हो जाएगी, लेकिन वो इतने हैप्पी है कि ये काम मिल रहा है। सर धन्यवाद, मैं तो इन दोनों का सच्ची में। दोस्तों ये महिलाएं काफी खुश है, सबसे बड़ी बात की इससे दो फायदा होगा, एक तो आदिवासियों का जो हालत है, इन लोगों की मदद से खेती की जब होगी, उपज होगा तो उसमें सुधार होगा, फिर वो जब इन महिलाओं के जरिए डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा तो उनको फ्रेश सब्जी सस्ते भाव में मिलेगा। दूसरी बात, जो महिलाएं जो हैं इसमें जो इन्वॉल्व होंगी उनको रोजगार मिलेगा और वो आदिवासी अपना जीवन यापन और अच्छे से कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत ही प्यारा और अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे कैसे जुड़ेंगे इसका मैं डिटेल्स मेंशन कर दूंगा, आप जरूर इससे जुड़िए। और इससे जुड़ने का मतलब है कि आप कई लोगों को वही सब्जी खरीद करके कई लोगों की मदद भी कर रहे हो, समाज में एक अच्छा का अपना योगदान भी दे रहे हो, सब्जी भी खरीद रहे हो और समाज में योगदान भी दे रहे हो। थैंक यू सो मच।